सुनीताज वन किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे किचन में बन रहा है दही प्याज की सब्जी। घर में जब कोई सब्जी ना हो तो आप दही प्याज की सब्जी आराम से बहुत ही बेहतरीन बहुत ही स्वादिष्ट बना करके आप खा सकते हैं। तो मैंने कैसे करके बनाया, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और मेरे तरीके से दही प्याज की सब्जी बना। सबसे पहले गैस को ऑन करके उस पर एक कढ़ाई चढ़ा दें या फ्राई पैन चढ़ा दें, जिसमें बनाने का वो चढ़ा दें। जब वो गर्म हो जाए तो एक चम्मच के करीब तेल डाल दें। तेल डालने के बाद मैंने 150 ग्राम के करीब प्याज, ये मीडियम से थोड़ा सा छोटा है, उसी प्याज को दो फाक का स्लाइस में काट करके उसको हमने डाल दिया है। डालने के बाद इसको 3 से 4 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम में इसको भून लेंगे। आप चाहे तो लंबा लंबा पतला पतला स्लाइस में भी काट करके ले सकते हैं, और नहीं तो इससे छोटा वाला भी प्याज आप ले सकते हैं। ये देखिए भुना हुआ चला गया, हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया। आप इसको प्लेट में निकाल लें। निकालने के बाद इसी में 2 से 3 चम्मच के करीब फिर से तेल डालते हैं। तेल कम ज़्यादा आप अपनी पसंद के अनुसार से कर सकते हैं। जब वो गर्म हो जाए फ्लेम को मीडियम रखेंगे। जब वो गर्म हो जाए तो आधा चम्मच उसमें जीरा डाल दें और हींग डाल दें। हींग मैंने 3 से 4 चुटकी के करीब डाला है। आप चाहे तो पसंद हो तो डालें, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। 10 कड़ी पत्ता इसमें डाल दें। हल्का सा उसको कड़कने दें। कड़ी पत्ता देखिए अच्छे से एकदम कड़क चुका है। मैंने 5 से 6 कली लहसुन इसको बारीक बारीक चॉप करके इसमें डाल दिया। 1 इंची अदरक का टुकड़ा उसको भी बारीक करके चॉप करके डाल दिए हैं। अगर आपको चॉप करके डालना है तो डाल दें, या नहीं तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, या तो बिना अदरक लहसुन का पेस्ट का भी बना सकते हैं। हल्का सा देखिए लहसुन और अदरक का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें मसाला डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच के करीब काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, इन सभी को डाल दें। डालने के बाद फ्लेम को एकदम लो रखेंगे, क्योंकि सूखा मसाला है तो फ्लेम हाई होने पर इसका स्वाद जो है ना कड़वा हो जाएगा। हाई फ्लेम में अगर डालेंगे तो इसलिए एकदम लो करके डालना है। 1 चम्मच के करीब हमने कसूरी मेथी इसमें डाला है। डालने के बाद इसको 1 से 1.5 मिनट तक भूनना है, ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है। ये भुना हुआ चला गया है, मैंने उसमें प्याज को डाल दिया। डालने के बाद इन सभी को मिला दें। कभी कभी होता है क्या कि घर में कोई सब्जी नहीं हो, चाहे कुछ अलग तरह का सब्जी बना करके खाने का मन करे, तो आप एक बार इस सब्जी को बना करके जरूर ट्राई करें। 250 ग्राम के करीब हमने दही फेंट करके रखा था, वो उसमें डाल दें। दही थोड़ी सी खट्टी वाली होनी चाहिए, तभी प्याज का मीठा और दही का खट्टापन दोनों का बैलेंस बन के बहुत ही अच्छा टेस्टी ये सब्जी बन करके तैयार होता है। मैंने 2 चम्मच के करीब कटोरा में जो दही सटा हुआ था उसी का पानी इसमें डाला है। इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि प्याज भी पानी छोड़ता है। शुरू शुरू में ये थोड़ा सा पतला लगता है, लेकिन जैसे जैसे पकाएंगे आप इसका देखते जाएंगे कि इसका ग्रेवी धीरे धीरे गाढ़ी होती जाती है। तो सभी को मिलाने के बाद इसको ढक करके कम से कम 7 से 8 मिनट तक कुक करेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये दही प्याज की सब्जी आपको कैसी लगी। साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहाँ से ये वीडियो आप देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए 8 मिनट तक कुक होने के बाद मैंने ढक्कन जब खोला तो इसमें हमने जो है ना 1 चम्मच के करीब गरम मसाला इसमें डाल दिया है, और थोड़ा सा स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक डाल दें। नमक अगर पहले आप डालेंगे तो प्याज गल जाएगा और दही प्याज की सब्जी अच्छे से बन नहीं पाएगी, इसलिए इसको लास्ट में डालना है। नमक और गरम मसाला डालने के बाद इसको ढक करके कम से कम 2 मिनट तक और पका लेंगे, ताकि नमक और गरम मसाला का स्वाद पूरी सब्जी में मिल जाए। 2 मिनट पकाने के बाद उसके बाद धनिया की पत्ती आप डाल दें। धनिया की पत्ती डालने के बाद इसको भी मिला दें। ये देखिए शानदार सी दही प्याज की सब्जी बन करके तैयार है। गैस को आप बंद कर दें, इसको एक प्लेट में निकाल लें। आप रोटी चावल जिसके भी साथ में मन हो उसके साथ में आप खा सकते हैं ये शानदार सी प्याज और दही की सब्जी। मैंने 2 से 3 आदमी के लिए सब्जी बनाया है। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसी क्वांटिटी में आप ज़्यादा भी लेकर के बना सकते हैं। आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।